शॉपिंग करा है कपड़े वपड़े लिए यार। आज शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ ह्यूज अमेजोन किचन हॉल वीडियो, बहुत सारा सामान है इसमें, जुड़े रहिए। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। और आज मेरे घर में छोटे छोटे मेहमान आए हैं, छोटे छोटे गेस्ट है मेरे घर में, ये देखिए मिलियन से। अच्छा लगता है घर में जब शोरगुल रहता है, कशिश नहीं होती है तो कितना बुरा लगता है मुझे, मुझे ही मालूम है। और अब तो ये दो बच्चे भी हैं साथ में, तो घर में रौनक ही रौनक है। और ये लोग पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं आज सुबह से, इन्होंने एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, इसके अलावा मूवी भी वॉच करी थी। मूवी का नाम क्या था जो वॉच कर रहे थे? द प्रिंसेस स्विच। अब हम देख रहे हैं टैंगल। ओके, रैपंज़ेल की मूवी। और ये निष्का, तुम्हें यहाँ पे क्रिसमस वाइब्स मिली या नहीं मिली इस घर में? बहुत मिली मुझे क्रिसमस की, बहुत बढ़िया लगा। अरे वाह, वो सबसे अच्छी डेकोरेशन। और हमें तो आप बहुत क्यूट लगती हो, लेकिन हम उसका क्या करें, तुम्हारे ये जो टमाटर जैसे गाल है, इन दो का क्या करें, लगता है यहाँ पे दो रसगुल्ले हैं। पूरे दिन से जब से हम आए हैं, हाँ, हमने या तो सबसे पहले हमने मूवी देखी, फिर हमने वो एक्सबॉक्स खेला थोड़ा सा, और ये अपना प्ले स्टेशन खेला था उधर। अच्छा। फिर बाद में हमने फिर ये देख रहे हैं अब ये देख। और जो भाई है ना, भाई वो थोड़ा सा लेजी है इनका, जैसे देख ये बहुत देर तक, पहले तो इसने प्ले स्टेशन खेला, उसके बाद जब ये थक गया है तो ये लंबो लेट हो गया है। नहीं नहीं नहीं, और मम्मा भी तो पी हमने। हाँ, फिर हमने हॉट चॉकलेट पी मूवी के साथ, एप्पल, और मैंने बनाना खाया था दीदी। और सबसे पहले जब मैं आई थी, मैंने एक बुक आप दे दीदी ना, वो आप रीड करने के लिए। हाँ, वो वाली मैंने पढ़ी है। अच्छा। हाँ। और अभी हम क्या करने जा रहे हैं किचन में? बर्गर बनाने। बर्गर बनाने जा रहे हैं। चलो बच्चों बर्गर बनाते हैं फिर। चलो। और रुद्रांश नहीं आ पाया क्योंकि रुद्रांश के फ्रेंड के साथ पार्टी थी आज। हाँ, ट्यूशन में पार्टी थी। ट्यूशन में पार्टी थी। अच्छा, तो ट्यूशन में। और मम्मियाँ कहाँ गई हैं? मम्मियाँ मार्केटिंग कर रही हैं। वो तो एक्सप्रेशन देखती कशिश, तू वो तो पता ही था। इतने सारे, ये वाला मेरा फेवरेट है। देखो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। मेरा फेवरेट है लंदन वाला। मामी एक और बार लंदन जाओगे ना, मेरे वाला ले आना, तुम्हें लेके चलेंगे। ओके, तुम हमारे साथ चलना ना। ये वाला मुझे बहुत। मम्मी भी तो गई थी। हाँ, मम्मी जब गई थी शादी के बाद, पहले गई थी जब उनके बहुत ब्राउन बाल थे। ब्राउन बाल कर्ली कर्ली, उनके नेचुरली कर्ली थे। मेरे उनके ब्राउन ब्राउन वाले बाल कितने अच्छे लगते थे मुझे। अच्छा, तुम इससे सुंदर नहीं थे? मुझे तो तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, इतने सिल्की, इतने स्मूथ बाल है। दो चोटियां बना के किसने बनाई है? दो चोटियां मौसी ने बनाई है। आज लिपस्टिक में, लिपस्टिक भी मौसी ने लगाई थी, वो तो छूट गई। दोबारा लगा लो, छूट गई होगी, दोबारा लगा लो। चाहो हॉट चॉकलेट पी होगी या तो तब छूट गई होगी। नहीं छूटा ना की है। बनेंगे बर्गर तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन बर्गर नहीं खाए। क्रिसमस का दिन है आज, खाया होगा बर्गर, नहीं खाया होगा बर्गर। क्या बर्गर, ये गारंटी है मेरी, आज हम बर्गर बना के मारेंगे। बर्गर कैसे बनता है बना के देखेंगे, कैसे बनेगा खुद पता चलेगा। हम पहले टिक्किया सेकेंगे, आलू टिक्की खानी है, वेजी वाली खानी है, बताओ पहले। मुझे आलू टिक्की चाहिए। और भैया से भी पूछ के आ जाओ, भैया को तो आलू ही पसंद होगी, वो वेजी नहीं खाता। एक सेकंड, फिर भी एक बार पूछो। वेज खाएगा या फिर आलू टिक्की? वेज खाएगा फिर आलू टिक्की। पहले बताओ, पहले मम्मी मौसी। ओए मम्मी आई है? मम्मी मौसी, मम्मी मौसी दोनों। कैसी बोल रही हो? परचेजिंग शॉपिंग करा है क्यों? कपड़े वपड़े लिए यार। चुन्नू मुन्नू, अब मैं बता रही हूँ उनके लिए बर्गर। बर्गर तो सभी खाते हैं, तुम बर्गर खाओ। टमाटर जैसे, मैं तो दो चार बार ले चुकी हूँ पहले। ये बड़े अच्छी लग रही है, इसके बाल आगे के कटे हुए। बाल बहुत अच्छे
हमारे यहाँ पे किंग शो किंग द बर्गर अच्छे बन रहा है गाइस। आज आप लोगों के साथ ना अमेजोन का बिग ह्यूज हॉल शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या था, राजस्थान जाने से पहले मैंने ये सामान कुछ ऑर्डर किए थे और ये एक एक करके आ भी गए थे, कुछ पीछे से आ गए थे, कुछ अभी थोड़े दिन पहले ही आए। तो फिलहाल सब सामान इकट्ठे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक अमेजिंग हॉल वीडियो शेयर किया जाए। जो भी चीजें दिखाने वाली हूँ ना इस हॉल वीडियो में, आपको बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो आपको रेगुलर लाइफ में बहुत काम आने वाली है। और जब भी मैं इस टाइप के प्रोडक्ट के रिव्यू करती हूँ ना गाइस, तो इसमें मेरा कंसर्न एक ये भी रहता है कि इन प्रोडक्ट के बारे में जो अमेजोन पे हाइप है या फिर जो रेटिंग मिली हुई है, ये खरीदने लायक भी है प्रोडक्ट या नहीं है। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और कुछ तो बना ऐसा हुआ था कि दिवाली के टाइम पे मैं देख रही थी, लेकिन दिवाली के टाइम पे ना चीजें थोड़ी महंगी मिलती है, वही चीजें इस टाइम थोड़ी सस्ते प्राइस पे मिल गई मुझे, तो वो मैंने तब की कार्ट में ऐड करी हुई थी और वो मैंने ली अभी है। तो उनमें से ये दो बॉक्स दिखा रही हूँ आपको। ये बॉक्स मुझे बड़े काम के लगे, बिल्कुल यूनिक है यार, ऐसे बॉक्स मैंने पहले नहीं देखे। और इसमें ना आप वो चीजें रख सकते हो जो एयर टाइट रखने के लिए जरूरी होती हैं, जो सीले नहीं, जैसे बिस्किट्स हैं आपके, चाय पत्ती है, चाय पत्ती की खुशबू चली जाती है ना, एयर टाइट में रखोगे तो खुशबू बनी रहती है। तो ये ना पॉपअप वाले बॉक्स हैं, जब आप इसे इस तरीके से करोगे तो ये सील हो जाता है बॉक्स, और इसके अंदर जो भी सामान रखोगे वो सीलेगा नहीं या उसकी खुशबू बाहर नहीं आएगी और वो ज्यादा दिन तक चलेगा। तो आप इसमें चाहो तो कोई भी सामान रख सकते हो या कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स भी रख सकते हो, जिससे कि वो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहे। तो ये ना फूड ग्रेड प्लास्टिक का है और आप इसमें कटी हुई वेजिटेबल्स भी स्टोर कर सकते हो रेफ्रिजरेटर में, वो ज्यादा दिन तक चलेंगी। और गाइज इसको ना रेटिंग बहुत बढ़िया मिली हुई थी अमेजोन पर, इसे 4.5 रेटिंग मिली हुई है और कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। ये 475 रुपीज में आपको दो बॉक्स मिल रहे हैं और ये स्टैकेबल भी है, मतलब एक के ऊपर आप एक भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्लेस घेरेंगे। तो आप चाहो तो अपने पेंट्री यूनिट में, चाहो तो रेफ्रिजरेटर में इन आराम से स्टोर कर सकते हो। ऐसे ना दो बॉक्स मिले हैं मुझे, एक आपको मैंने अभी खोल के दिखा दिया और दूसरा ये रहा। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही काम की चीज है। जैसे हमारे घर में शेल्फ होती है लेकिन उनकी जो नीचे की स्पेस होती है वो हम इतना अच्छे से यूज नहीं कर पाते, तो ये अंडर शेल्फ स्पाइस रैक है। इस टाइप की जो बोटल्स नहीं होती है हमारे घर में, जैसे मैंने तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक शेल्फ बना रखी है स्पाइसेस के लिए, लेकिन वो भी आप चाहो तो इसमें स्टोर कर सकते हो और फिर इसे आप किसी भी शेल्फ के नीचे लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से बाहर निकल आएगी और यहाँ पर आप सारे के सारे बोटल्स लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिट कर दी। ऐसे जो भी स्पाइसेस आपको फिट करने हैं जो रेगुलर में ज्यादा काम आते हैं, वो आप अपनी उस ड्रॉर में फिक्स कर सकते हो जो आप ज्यादा यूज करते हो। ऊपर वाली ड्रॉर्स ज्यादा यूज होती है क्योंकि आप खाना बनाते समय कभी भी खोल लेते हो, तो ये इस तरीके से आ जाते हैं और इस तरीके से आप लगा दोगे। लेकिन जो एक चीज मैंने नोटिस करी इस स्पाइस रैक में, वो है इसकी क्वालिटी। मुझे इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, इसका प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं था, तो इसे तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ। मुझे पहली नजर में इतनी समझ में नहीं आई, थोड़ा सा लगने के बाद ना स्लिप बहुत हो रही थी, ये ज्यादा अच्छे से टिक नहीं पा रही थी, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये डिजाइन। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत काम की चीज है, इन्हें आप रेफ्रिजरेटर में या फिर अपने पेंट्री यूनिट में यूज कर सकते हो। तो ये स्टैकेबल तो नहीं है, लेकिन आप बराबर बराबर में इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे सॉस की बोटल्स है, फ्रिज में बहुत छोटा छोटा सामान रहता है, कभी कभी वेजिटेबल्स वगैरह आपको स्टोर करनी है, तो आपने क्या किया, वेजिटेबल बास्केट होती है ना रेफ्रिजरेटर में, उसमें ये साइड बाय साइड लगा दिए, तो सारी वेजिटेबल बहुत इजीली जो है स्टोर कर पाओगे। लेकिन मैंने जो लिया है, मैंने इसे इस पर्पज से लिया है कि जो साइड में जब हम डोर खोलते हैं तो उस साइड में भी काफी सारी जगह रहती है ना, तो वहां पर भी मुझे चाहिए होती है ये चीजें लगाने के लिए। तो इससे फ्रिज बहुत ऑर्गेनाइज दिखता है और इसका जो प्राइस है ना गाइस, वो 599 रुपीज है, जिसमें मुझे ये 2 मिले हैं। नेक्स्ट अगेन किचन में काम करने के लिए काफी जरूरतमंद चीज है और ये मेरी खराब भी हो रही थी। मेरे पास एक बहुत पुराना एक पीलर है, ये वाला, तो इस टाइप का तो पीलर आप सबके घर में होगा, मेरा तो खैर ये अब शार्प भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा खुट्टल हो गया है। इसे देखा था ना तो मुझे बिल्कुल वैसा लगा जैसे कि ग्वाशा नहीं होता जो फेस मसाज के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्किन केयर रूटीन के लिए हम लोग यूज करते हैं अपलिफ्ट करने के लिए, तो बिल्कुल वैसी फिनिश थी इसकी, मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैंने कहा इसे मंगा कर देखते। तो ये रहा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है इसका, बहुत ही फैंसी सा है प्रोडक्ट। और गाइज इसका जो प्राइस है वो इसकी क्वालिटी के हिसाब से ही है, 459 इसका प्राइस है और इसको रेटिंग 4 मिली हुई थी, इसी वजह से मैंने इसे परचेज किया।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी किचन के लिए ही मंगाया है और ये भी बहुत काम की चीज है। ये जब आप आजकल तो सर्दियां चल रही है, विंटर में खूब पराठे वगैरह भी बन रहे हैं घर में, तो ये उस पर्पज से काफी बढ़िया है, दिखाती हूँ। तो ये भी ना बहुत ही सुंदर है देखने में। ये बोरोसिल ग्लास से बना प्रोडक्ट है, इसके अंदर मिलता है आपको ब्रश इस तरीके से। जब कभी घर में कुछ पराठा या कुछ भी ऐसा बना रहे हो, ऑमलेट वगैरह बना रहे हो, तो हल्का सा ब्रश कर दिया एंड देन आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ज्यादा घी या तेल आप यूज नहीं करते हो इस तरीके से। मुझे बस एक चीज की जो बात लगती है आपसे शेयर करना चाहूंगी कि ये जो ब्रश होता है ना वो इसमें डिप हो जाता है, तो बाकी का जो प्रोडक्ट इसके अंदर होगा तो जो भी आपके उस ब्रश पे जो चीजें लगी रह जाएंगी वो डिप होके वापस से ऑयल में आ जाती है, जिससे बाकी का ऑयल भी खराब हो जाता है। तो इस ब्रश को यूज करने का तरीका यही है कि आपको हर बार वॉश करके एंड देन डिप करना पड़ेगा इसके अंदर, जिससे कि आप जब नेक्स्ट बार इसे यूज करो तो वो क्लीन आपको ऑयल मिले। तो एक चीज बस मुझे ये लगती है, बाकी ये देखने में और काम करना इसका बहुत ही अच्छा है। और इसको 4.2 रेटिंग मिली हुई है और ये 339 रुपीज का है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ना गाइस, ये सेट ऑफ 6 मिला है मुझे, और ये ना सिरामिक की बाउल है। और इन बाउल में ना आप सर्व कर सकते हो, जैसे सॉस है, चटनी है, पिकल है, जो भी आपका मन चाहे, या फिर आपको इंग्रेडिएंट रख के कोई वीडियो वगैरह शूट करनी है। जैसे कि मैं तो ज्यादातर वीडियो शूटिंग जब करती हूँ और ज्यादातर मैं जब कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ तो इस टाइप की छोटी छोटी जो बाउल होती है ना उनमें इंग्रेडिएंट रख लेती हूँ, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं और कुकिंग भी आसान हो जाती है, सारे सामान भारी दिख जाते हैं। तो ये 639 रुपीज में मुझे 6 पीस मिले हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है इनकी, बहुत ही क्यूट है गाइस। इसमें आप चाहो तो छोटी सी कोई स्वीट भी रख के सर्व कर सकते हो, जैसे कि गुलाब जामुन वगैरह, वो भी आप इसमें रख के खा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा किसी को दोगे थोड़ा ऑकवर्ड ही हो जाएगा। खैर वो आपकी इमेजिनेशन है, आप किस चीज को किस तरीके से यूज करना चाहते हो। तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी सिरामिक का 2 का सेट है, और इसमें ना हैंड पेंटेड है, ये काफी सुंदर सा है, क्यूट सा है। इसमें आप अपने सैलेड्स वगैरह सर्व करके खा सकते हो, इसमें आप अपने लिए कहते सूखी वेजिटेबल रायता सर्व कर सकते हो, मेहमानों के लिए आप इसमें बिस्किट या नमकीन सर्व कर सकते हो एज अ स्नैक्स, इसे यूज कर सकते हो। तो ये दोनों बाउल मुझे काफी प्यारी लगी थी, और ये एक के ऊपर आप एक ऐसे रख सकते हो तो ज्यादा प्लेस भी नहीं घेरेंगी। और ये दोनों बाउल मुझे मिली है 749 रुपीज में, और इसको 4.2 रेटिंग मिली हुई थी। मुझे मालूम है मेरा ये हॉल वीडियो देखने के बाद कुछ लोग आएंगे जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप कितना सामान खरीदोगी, रखती कहाँ पर हो इतना सामान, कहाँ स्टोर करती हो, कितना शौक है आपको सामान खरीदने का, अननेसेसरी शॉपिंग करती रहती हो, घर में जगह बढ़ा रही हो। ऐसे मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन वो कुछ इतने से लोग हैं, बाकी सारे लोगों को हॉल वीडियो बहुत पसंद आता है। और मेरे इन हॉल वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ नए प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलती है, जिसे आप खुद अपने लिए खरीदना पसंद करते हो, क्योंकि जब मैं इन प्रोडक्ट को यूज करके दिखाती हूँ तो आपको पता चलता है कि कितने काम की चीजें हैं। तो इसीलिए भी मैं थोड़े बहुत प्रोडक्ट रिव्यू आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सर्विंग के लिए है, इसमें कोई भी खाना बनाकर आप सर्व कर सकते हो, जैसे कि गेस्ट वगैरह आते हैं तो इस टाइप की चीज में जब आप सर्व करते हो तो खाने का जो स्वाद है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और देखने में तो अच्छा लगता ही है। लेकिन एक चीज जो मैंने इसे महसूस करी, क्योंकि भी हाल फिलहाल में मैंने आपको दिखाया था मम्मी वो लगान लेकर आई थी मुरादाबाद से, वो 4000 रुपए की काफी बड़ी लगान लेके आई है, जिसमें आप कुक भी कर सकते हो चीजों को, वो काफी वेट में हैवी थी, क्योंकि हमें इसमें कुक नहीं करना है, सिर्फ सर्विंग के लिए यूज करना है, तो इसका वेट काफी लाइट है। और ये है इसकी लिड, और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसके चारों तरफ जो कोटिंग देख रहे हैं वो है गोल्ड की, अंदर से ये स्टेनलेस स्टील का ही है, तो इसमें जो भी खाना रखेंगे वो खराब नहीं होगा स्टेनलेस स्टील की वजह से। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत हल्की है, तो मुझे लगा कि ये प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी नहीं है। ये चीज अगर मैं मार्केट से जाके खुद खरीदूंगी तो मैं शायद वेट वगैरह चेक कर सकती हूँ, क्वालिटी को अपने हिसाब से देख सकती हूँ। ये 549 रुपीज का मुझे मिला है, क्यूट लगा मुझे, लेकिन मैं इसे रिटर्न करूंगी। नेक्स्ट जो चीज है ना वो मैंने मंगाई है अपने काउंटर टॉप के लिए, अभी मैंने बास्केट में जहां पर ऑयल वगैरह रखे हुए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने मंगाई है। मैं दिवाली के टाइम पे भी ढूंढ रही थी, एक मंगाई भी थी जो पूरी वुडन थी, लेकिन वो यहाँ पे रखने के बाद इतना मजेदार नहीं लग रही थी, फिर मैंने वापस भेज दी, और महंगी भी बहुत थी वो, उस टाइम ना प्राइस को ज्यादा ही हाई कर रखे थे दिवाली के टाइम पे, तो मैंने कहा इसे वापस भेज देते हैं, आगे चल के देखेंगे कुछ अच्छा मिल गया मेरे मतलब काउंटर टॉप के हिसाब से। जैसे मेरी व्हाइट किचन है तो मैं कुछ व्हाइट बेस में ढूंढ रही थी, तो मुझे फिलहाल मिल चुका है, तो मैंने ये मंगाया है। तो ये 2 टीयर वो है स्पाइस रैक कह लीजिए, आपके ऊपर है अगेन
कि आप इसे किस चीज में यूज करना चाहते हो, किस तरीके से यूज करना चाहते हो, तो ये मुझे बनानी पड़ेगी। ये अभी बनी हुई नहीं है, इसे बनाकर देन मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से तैयार हो जाती है ये, और इसमें किस तरीके से आप सामान वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यही था सारा सामान जो मैंने मंगाया था इस बार किचन के लिए, और एक दो चीजें और है जो मैं शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप शॉर्ट वीडियो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ मूवी देखने के लिए, मैं और कशिश रेडी हैं ही ऑलरेडी, फटाफट से जाते हैं और मूवी देखकर आते हैं। आज हम लोग देखेंगे डंकी, और उसकी टिकट्स वगैरह ऑलरेडी बुक हो गई है, प्रशांत ने करा दी थी, तो फिलहाल बस अब निकलना है हमें फटाफट से। सब लोग वहीं पर मिलने वाले हैं मॉल में ही, क्योंकि ये लोग पहले टाइम जोन जाएंगे, तो टाइम जोन इन्होंने अभी तक घूम लिया होगा, उसके बाद हमारा था मूवी देखने का प्लान, तो फिलहाल हम लोग भी निकलते हैं। रेडी हूँ, ये बहुत फ्लफी सा कोट पहना है मैंने। अभी हम लोग सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं एक जगह पर। इसमें कौन से वाले से जा रहे हैं? आजकल सोनी दीदी आई हुई हैं, तो उस वजह से कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनते ही रहते हैं, और एक साथ मिलकर जो काम करते हैं उसमें मज़ा और भी अच्छा लगता है, दुगना हो जाता है। तो बस हम लोग सब पिक्चर देखने के लिए आ गए थे, डंकी देखेंगे आज। हो सकता है मूवी का नाम आपको इतना अट्रैक्ट ना करे जैसा कि मुझे नहीं किया था, लेकिन बाद में जब आप ये मूवी पूरी देख लोगे तो आपको पता चलेगा इसका नाम डंकी क्यों है। बहुत ही अच्छी मूवी लगी मेरे को, और यहाँ पर निष्का का आउटफिट भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, उसका कोट वूलन वाला। और यहाँ पर ना US सिनेमा थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा PVR से। मिनी दीदी की च्वाइस थी कि हम लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग का अरेंजमेंट ज़्यादा बढ़िया है, और वो मुझे भी लगा अच्छा था। वैसे ओवरऑल अच्छा था ये पिक्चर हॉल। हम सब लोग कितने लोग हैं? सात लोग। एक गाड़ी है। आएंगे तो दिल बड़ा होना चाहिए गाइस, चाहे कैसी भी हो, बस सामने ही जाना है हमें, रोड भी नहीं है यहाँ पे, पीछे का। और अंधेरा हो चुका है, 10:30 बज रहे हैं। आई सबको पिक्चर कैसी लगी? अच्छी थी, अच्छी थी, कॉमेडी थी, एक्चुअली फुल ऑफ कॉमेडी, थोड़ी सीरियस भी थी, कॉमेडी भी मिला है बच्चों को। सही बात है। पहले पता है मेरा इस मूवी को देखने जाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने तो मना ही कर दिया था कि मैं नहीं जा रही यार, लेकिन फिर कशिश बोलती है नहीं मम्मा चलते चलते, आप मेरे साथ तो कभी नहीं जाते हो, डैडी के साथ तो मेरे पीछे से जाते रहते हो मूवी देखने, तो चलो चलते हैं। तो फिर हम लोग सब लोग इकट्ठे होके सब गए थे आज मूवी देखने के लिए, और डंकी मूवी जो थी वो गाइस बहुत अच्छी थी, सच में पसंद आई मुझे, बहुत अच्छा लगा मूवी देखने के बाद, क्योंकि मूवी में ना सब कुछ था, मतलब ये नहीं कि केवल एक ही चीज़ पे फोकस किया हो, ओवरऑल बहुत अच्छी थी। और क्या कहते हैं, लेसन भी दिया है कि स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर पढ़े नहीं तो लाइफ में क्या से क्या हो सकता है, पढ़ाई हर जगह इम्पॉर्टेंट है। अच्छी मूवी है, मतलब देखने जाना चाहिए। शाहरुख खान, तापसी पन्नू, सबका जो रोल था बहुत बढ़िया था। शाहरुख खान तो मेरा फेवरेट है वैसे भी, बहुत अच्छा रोल करते हैं वो, लेकिन उसके अलावा जो मूवी का जो वो था ना, पूरा कहते ना 2-2.5 घंटे पूरा मन लगा रहा, बोर नहीं हुआ है ना कशिश? हम लोग इस मूवी में बोर नहीं हुआ। आप लोग देखने जा सकते हो, क्योंकि वैसे डिफरेंट टाइप की मूवी थी, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, जैसे कॉमेडी थी, रोमांस था, थोड़ा फाइटिंग सीन्स भी, मतलब वायलेंस और एक्शन सीन, इमोशन भी था। हाँ, और मतलब ऐसा नहीं थी कि जो कॉमेडी थी वो, मतलब बहुत ज्यादा आजकल ऐसी मूवीज बनने लगी जिसमें कॉमेडी ऑन पॉइंट नहीं होती, मतलब हंसी ही नहीं आती, बट इसमें कुछ कुछ जोक्स पे अच्छी खासी हंसी आ रही थी। अच्छी मूवी है, तो देखना जरूर जाना चाहिए।
आई थिंक आपको पसंद आएगी। और अभी मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, क्योंकि जब मैं घर पर आई तो प्रशांत मुझे बोलते हैं यार मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो मैं अभी पुलाव बना रही हूँ उनके लिए। और फिलहाल अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे कल आप लोगों से एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट।